Dear friends, so today we will teach you how to calculate the square root of 5. How to find square root of 5. देखो, 5 का square root निकालने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्केयर रूट 2, स्केयर रूट 3 और कितना स्केयर रूट 5 भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में यूज होता है. स्केयर रूट 5 इज यूज्ड इन मोस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास. सो हमें यह है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. स्केयर रूट 5 एक रियल नंबर है, रियल नंबर है. अगर वी मल्टीप्लाई विद इट्स सेम नंबर वी मल्टीप्लाई विद इट्स सेम नंबर वी विल गेट 5. ये इसकी डेफिनेशन है. तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, 5 का स्क्वायर रूट. तो सबसे पहले रफ वर्क बनाइए. यू हैव टू मेक द रफ वर्क. 1, 2, 3, 4 को 1 से 1 के साथ मल्टीप्लाई. यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 with 1, 2 with 2, 3 with 3, 4 with 4, 1, 4, 9, 16. So it will divide. 5 will divide with 4, not 9, not 16. Because 4 is less than 5 and 5 is more than 4. On 2, 1, take a write a decimal. Now we add 2 with 2, double the 2. This is 4. We show the 4 at here. Now 4 and we show the 1. 1 aage dikhayenge, multiply 1 ke saath karenge, 41 aa gaya. 2 dikhayenge, 2 ke saath multiply karenge, 4 8 aa gaya. 3 दिखाएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9, 12. ये ज्यादा हो गया. इसके ऊपर 100 जो है, पॉइंट को भूल जाइए आप. यू हैव टू फॉरगेट द पॉइंट. यू रिमेंबर एज 100. 84 इज लेस देन 100. सो वी डिवाइड 100 विद 84, नॉट 129. वी शो 2, इट विल गो 2, 2. Now this is a 10, 6 minus. We have to deduct 84 from 100. हमने घटाना है 100 में से 84 घटाना है. 10 में 9 में से 8 गया 1. ऊपर से 2 जुट लेके जाने हैं, ऊपर से 1 जुट लेके आना है. अब हमने क्या करना है, डबल कर दो इसको, 2 को 2 के साथ जमा करना है. ये 4, 4 हो गया, 2, 2, 4 हो गया. अब 4 को हम यहाँ शो कर देते हैं. अब देखो 4, 4 है, इसके आगे आप 1 लिखकर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 लिखकर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4, 8, 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अभी जाना है, आगे जाएगा, 4, 4, 3, 3 के साथ 9, 12, 12, 13, आप ही भी आगे जाएगा, 4, 4, 4, 4 के साथ
16 इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा 9, 12, 13 ओके 1, 3, 2, 9 अब डिडक्ट का 1329 फ्रॉम 1600 इस विल गो टू 3 इट्स नॉट अ 4 ओके एंड इट विल बी 197 एंड 53 माइनस 3 2 एंड 20 और ले लेनी है रॉकबर्ग और भी आगे चलेगा इसको चला देते हैं 3 डिजिट तक हम लेके जाना है पॉइंट के बाद रॉकबर्ग कर रही हैं इसको डबल करते हैं 2 2 3 into 2 6 4 2 2 4 अब इसके आगे हम लिख दिया 4 4 6 अब 4 4 6 के आगे एक लिखा एक के साथ मल्टीप्लाई किया 4 4 6 1 आ गया